तो भाइयों हम बात कर रहे हैं बुलंदशहर की। बुलंदशहर के महान क्षत्रिय राजा थे चंद्र सेन डोड। तो भाइयों गवर्नमेंट बुलंदशहर गैस्टियर जो कि 1901 में जो अंग्रेजी काल में लिखा था उसमें बताया जाता है कि बुलंदशहर जिले में क्षत्रिय समाज की बहुत बड़ी आबादी रहती है और इतिहास में अनेकों क्षत्रिय महापुरुष इस जिले में हुए हैं। इसी कड़ी में सबसे पहले नंबर आता है डोड राजपूत वंश और राव चंद्र सेन डोड का। उत्तर मध्य काल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मेरठ से लेकर जलेसर और एटा और संभल तक इसी डोड राजपूत वंश का शासन हुआ करता था, जिसकी राजधानी बरन जिसको आज बुलंदशहर कहते हैं। बुलंदशहर में जिस इलाके को आज अपर कोट कहा जाता है वहां पर इनका किला हुआ करता था, जिसे बलाई कोट भी कहा जाता था। आज भी वहां की इमारतों के नीचे किले और डोड क्षत्रियों की विरासत के अवशेष दबे हुए हैं। जहीं से मिले एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि जहां डोड वंश की 16 पीढ़ियों ने शासन किया था। राजा चंद्र सेन डोड ने इस राज्य की स्थापना की। इस वंश में प्रतापी राजा हरदत्त डोड हुए, जिन्होंने मेरठ, हापुड़ और वर्तमान का अलीगढ़ तब कोल कहलाता था जैसे नगरों की स्थापना की, और अपर कोट किले का बनाने का श्रेय भी उनको ही जाता है। महमूद गजनबी के टाइम भी इन्होंने वहां पर आक्रमणकारियों से बहुत बुरी तरह से मुकाबला किया, और मोहम्मद गोरी की सेना में जब बरन पर आक्रमण किया तो उस समय जहां राव चंद्र सेन डोड का राज था, गोरी की सेना जब पृथ्वीराज से 16 बार हार कर जब 17वीं बार दिल्ली में काबिज हुई तो उसने आसपास के राजपूत रियासतों पर हमला करना शुरू कर दिया। तब उसकी नज़र ऊपर कोट किले पर पड़ी जहां पर उसने डेरा डाल दिया, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। इस दौरान राजपूत बार बार किले से बाहर निकलकर तुर्कों पर हमला करते थे, जिसमें एक हमले में राव चंद्र सेन ने अपने तीर से गोरी के मुख्य सेनापति ख्वाजा लाल अली को मौत के घाट उतार दिया। तुर्कों ने राव चंद्र सेन को बहुत सारे ऑफर दिए, लेकिन राव चंद्र सेन ने घुटने नहीं टेके। परंतु राव चंद्र सेन के एक दरबारी जयपाल और पुजारी हीरा दास ने उनके साथ गद्दारी कर दी और रात को किले के दरवाजे खोल दिए, जिसके बाद किले में भीषण साका और जौहर हुआ। क्षत्रियों ने साका किया, जितने मार सकते थे मारे, और क्षत्रानियों ने जौहर किया। इस साके से क्षेत्र में डोड क्षत्रिय वंश का लगभग खात्मा हो गया और आज बुलंदशहर जिले में सिर्फ एक ही गाँव डोड क्षत्रियों का मिलता है, जहां कई सदियों तक उन्होंने शासन किया था। सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि बुलंदशहर में अपर कोट से थोड़ी दूरी पर जहां ख्वाजा लाल को राव चंद्र सेन ने मौत के घाट उतारा था, वहां उसकी मजार है, जहां पर सबसे ज़्यादा हिंदू लोग ही माथा टेकने जाते हैं। लेकिन उस क्षत्रिय धर्म के सपूतों को इन्होंने बुला दिया और ना ही उनकी कोई मूर्ति स्थापित अभी तक बुलंदशहर में की गई है। महाराणा प्रताप भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अपने इलाके के जो क्षत्रिय योद्धा रहे हैं उनको प्राथमिकता सबसे पहले देनी चाहिए। और अगर हम बुलंदशहर की बात करें तो बुलंदशहर का सबसे पहले नाम बरन था, जो कि पांडव वंश की शाखा तोमर राजपूत वंश के राजा अहिबरन के नाम पर पड़ा था। उसके बाद ही डोड राजपूत वंश ने जहां पर 16 पीढ़ी मध्यकाल के बाद राज करना शुरू किया था। अगर आज हम बात करें इस जिले की तो सबसे पहले हम तोमरों की बात करें तो ये क्षेत्र महाभारत काल में हस्तिनापुर के चंद्रवंशी शासकों के अधीन था। बाद में इस वंश की शाखा तोमरों का दिल्ली में राज रहा। आ राजपूतों के तोमर वंश की दो खापे जहाँ पर है, एक जंगारा और एक इंदौरिया। इसमें 24 गाँव गुलाबट्टी सिकंदराबाद मार्ग के क्षेत्र पर हैं, जिनमें बराल, छपरावत, इसके अलावा पितोबास, इसके अलावा बिचाई से प्रमुख हैं। मशहूर रिटायर्ड सूर्य प्रताप सिंह पितोबास के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा तोमरों के 5 गांव खुर्जा में भी हैं। इसके बाद हम डोडों की बात करें तो डोड राजपूतों ने जहां पर 16 पीढ़ियों तक शासन किया है, लेकिन आज इनके कुछ ही गांव इस जिले में मिलते हैं। हम राघव राजपूतों की बात करें तो राघव राजपूतों का राजस्थान के राजौर में राज होता था। वहां से एक राव प्रताप सिंह जहां इनके नेतृत्व में आए थे और डोड वंश की शासिका से की पुत्री से इन्होंने शादी की और दहेज के रूप में इनको 150 गाँव की जागीर मिली थी। तो आज इनके जो गांव हैं वो लगभग 100 के करीब गांव जो राघव राजपूतों के जहां पर हैं। जादौनों की बात करें तो जादौन जो कि भगवान श्री कृष्णा जी के वंशज हैं, बुलंदशहर जिले में जादौनों की राघवों के बाद सबसे बड़ी बसावट है, जो कि खुर्जा और जेवर के मार्ग पर लगभग 2 दर्जन गांव जादौनों के हैं। इसके अलावा बुलंदशहर खुर्जा मार्ग क्षेत्र के अलावा पूरे जिले में जादौन क्षत्रियों के गांव बिखरे हुए हैं। इसके बाद हम सोलंकियों की बात करें तो गुजरात के बाल क्षेत्र से 12वीं सदी के आसपास सोलंकी क्षत्रियों का एक जत्था
सारंगदेव सोलंकी के नेतृत्व में पृथ्वीराज चौहान की सेना के अंतर्गत जहां आया और वर्तमान के खुर्जा क्षेत्र में 84 गांव की जागीर स्थापित, जिसका मुख्यालय अरनिया था। गुजरात के बाल क्षेत्र से आने की वजह से इनका नाम बाल पड़ा और सारंगदेव के पुत्र हमीर सिंह ने तराइन के युद्ध में भी भाग लिया था, लेकिन उसके बाद सातवीं पीढ़ी में तुगलकों के समय कीरत सिंह हुए, जिनके एक पुत्र ने इस्लाम कबूल कर लिया था, जहां से जागीरें दो हिस्सों में बट गई और 42 गांव जो कि क्षत्रिय धर्म के राजपूतों के हैं जहां पर, और 42 गांव मुस्लिम राजपूतों के हैं इस इलाके में, लगभग 84 गांव इनके हैं। इसके अलावा बरगला और जैसवार बाटी भी जहाँ पर रहते हैं। सिकंदराबाद से ककोड कस्बे के बीच में बाटी वंश की बरगला शाखा की 55 गांव की जागीर थी, जिसमें से लगभग 32 गांव में आज भी इनकी वादी रहती है। राव बर सिंह के नाम पर ही बरगला का नाम पड़ा है। इसके अलावा शोकर जादौनों की बात करें तो शोकर जादौन जैसवार से ही सटे हुए हैं और जेवर कस्बे को घेरे हुए शोकर राजपूतों के 32 गांव जहां पर मिलते हैं। इसके अलावा गौर राजपूतों की करें तो जडोलिया गौर जहां पर मिलते हैं और जहां पर वर्तमान में बुलंदशहर और सियाना के बीच जडोलिया राजपूतों की 84 गांव हैं। इसके अलावा हम बच्चल गहलोत की बात करें तो ये गहलोत या सिसोदिया राजपूत शाखा से हैं और जहाँ पर इनके 12 गांव हैं। परगने में इनकी 55 गांव की जागीर भी कभी हुआ करती थी। इसके अलावा हम चौहानों की बात करें तो चौहानों के इस क्षेत्र में 32 गांव की इनकी जागीर हुआ करती थी। सुल्तान नुसरत शाह ने शहाब खान के नेतृत्व में बड़ी सेना बरन में मल्लू इकबाल खान को समाप्त करने के लिए भेजी, लेकिन इस सेना को रास्ते में ही 32 के चौहानों से सामना हो गया और चौहानों ने शहाब खान की गर्दन काट सुल्तान की पूरी सेना का सफाया कर दिया। इसकी सजा के तौर पर 32 की पूरी जागीर जब्त कर ली गई और पूरी खाब को बचाने के लिए इनके चौधरी को मुसलमान होना पड़ा। आज भी जहां पर चौहान जो हैं वो दोनों धर्म में पाए जाते हैं। इसके अलावा बैंस राजपूतों के जहाँ पर 12 गाँव हैं जो कि तहसील में गंगा जी के पास हैं। इसके अलावा गौड़ राजपूतों के जहाँ पर 5 गाँव हैं। इसके अलावा जहां पर पवार राजपूतों के भी कुछ गांव मिलते हैं और इसके अलावा कशवाहा क्षत्रियों के भी कुछ गांव देखने को मिलते हैं।